हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम है जिसे SRFP बोलते हैं। ये समर रिसर्च प्रोग्राम जो है वो JNCSAR द्वारा चलाया जा रहा है, यानी कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च। ये समर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम जो है वो JNCSAR द्वारा 1991 से चलाया जा रहा है और इसमें हर साल 70 फेलोशिप जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें पर हर स्टूडेंट को पर मंथ 10,000 रुपीज़ 2 मंथ के लिए दिया जाएगा। अब तक की इस फेलोशिप द्वारा 2522 स्टूडेंट जो है वो बेनिफिट ले चुके हैं और इसमें जो सिलेक्शन है वो मेरिट के बेस पर किया जाता है। यहाँ पर जो रिसर्च एरिया है, हम लाइफ साइंस के लिए बात करेंगे तो इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, बायो इन्फॉर्मेटिक, डेवलपमेंट बायोलॉजी, बायो केमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, माइक्रो बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, जेनेटिक, RNA बायोलॉजी, लाइफ हिस्ट्री एवोल्यूशन, सर्केडियन बायोलॉजी, एनिमल बिहेवियर, एनिमल कम्युनिकेशन, फंक्शनल मॉर्फोलॉजी, बिहेवियर इकोलॉजी, एवोल्यूशनरी जेनेटिक्स, एवोल्यूशनरी बायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एवोल्यूशन, पॉपुलेशन डायनामिक, फाइलोजियोग्राफी एंड न्यूरोबायोलॉजी एंड बिहेवियरल न्यूरोजेनेटिक्स, ये यहाँ पर रिसर्च एरिया रहने वाले हैं लाइफ साइंस के लिए। इसके अलावा अदर फील्ड में जैसे केमिकल साइंस, केमिकल बायोलॉजी, फिजिकल साइंस, मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग साइंस, ये स्टूडेंट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो वे स्टूडेंट जो UG यानी कि अंडर ग्रेजुएट हैं या फिर PG प्रोग्राम में हैं तो वो यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल हैं। जर्नल प्री रिक्विसाइट जो है, क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, वो आपके पास 65% से आपका कोर सब्जेक्ट या जो मेन सब्जेक्ट है एक्सेप्ट लैंग्वेज, उसमें आपका 65% से ज़्यादा होना चाहिए, नॉट लेस देन द 65% से कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एग्रीगेट इन 10th एंड 12th और इक्विवेलेंट में आपका फर्स्ट डिवीज़न होना ज़रूरी है, या फिर जैसे आप जिस सेमेस्टर में, उससे पहले वाले सेमेस्टर में आपका फर्स्ट डिवीज़न होना जो है वो कंपलसरी है। डिसिप्लिन की बात करते हैं तो जैसे लाइफ साइंस की अगर हम बात करें तो अलग अलग, जैसे कोई मान लो BSc कर रहा है, अगर उसका BSc 3rd ईयर का है तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक ही आप फिल कर सकते हैं, अगर आप लास्ट ईयर में तो वो यहाँ पर एलिजिबल आप नहीं होंगे। जैसे मान लो BS, BE या BTech 4th ईयर का है तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और 3rd ईयर में तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। उसी तरह की कोई अगर आपकी डिग्री जो है वो 5 ईयर की है तो आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 3rd ईयर और 4th ईयर में अगर आप हैं तो आप एलिजिबल हैं, यानी कि आप फाइनल ईयर में नहीं होना चाहिए, उससे पहले अगर आप किसी ईयर में तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप इसको फिल कर सकते हैं। लाइफ साइंस की कंडीशन में हमने बात किया। इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे फेलोशिप आपका कितना रहेगा, तो आपको 2 मंथ के लिए कॉन्टिन्यूस फेलोशिप दिया जाएगा, आपको हर मंथ 10,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा ट्रैवलिंग अलायंस की अगर बात करें तो जब आप JNCSAR में जाएंगे और वहाँ से जब वापस आएंगे तो आपका जो शॉर्टेस्ट रूट होगा आपके घर से या कॉलेज से वहाँ पर जाने के लिए, उसके लिए आपको सेकेंड स्लीपर में जो आपका ट्रेन फेयर है वो आपको वहाँ पर दिया जाएगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं, जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर 500 रुपीज़ जो है वो पे करना होगा, जो आप UPI या NEFT द्वारा पे कर सकते हैं। यहाँ पर सारा बैंक अकाउंट डिटेल उनका दिया गया है। इसके अलावा जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको रेफरी रिकमेंडेशन लेटर दिया जाएगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है, एक टर्म आपने सुना होगा जिसको LOR नाम देते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, तो ये लेटर ऑफ रिकमेंडेशन ही है, इसको बस नाम चेंज किया गया है, रेफरी रिकमेंडेशन लेटर कर दिया गया है। तो द रेफरी मे बी सेंड टू srfp@jncsir.ac.in बाया ईमेल। यहाँ पर ये इन्होंने ईमेल आईडी मेंशन कर दिया गया है। जैसे आपका जो भी रेफरी है, जैसे मान लीजिए आप MSc में हैं तो आपके जो वहाँ पर टीचर हैं तो वो एज ए आपका रेफरी वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको जानते हैं और वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट बहुत अच्छा है, इसको ये फेलोशिप दिया जाना चाहिए। तो उनको यहाँ पर ये जो ईमेल आईडी दिया गया है इस पर मेल करना है और जो सब्जेक्ट होता है वहाँ पर सब्जेक्ट में लाइन लिखना है SRFP रिकमेंडेशन और उसके आगे जो स्टूडेंट है उसका नाम यहाँ पर मेंशन करना है। तो जब रेफरी रिकमेंडेशन लेटर को लिखेंगे तो उस टाइम पर उनको क्या ध्यान रखना है, तो रेफरी मे बिगिन विद देयर ऑन इंट्रोडक्शन एंड ड्यूरेशन। सबसे पहले आपको जब शुरू करेंगे तो आपको पहले अपना इंट्रोडक्शन देना है और उसके बाद में आपको ड्यूरेशन देना है और नेचर आपकी कैसे, उस स्टूडेंट को कितने समय से जानते हैं। उसके बाद में आप कवर करेंगे कि उसका एकेडमिक क्रेडेंशियल्स क्या है, परफॉर्मेंस कैसा है, उसके रिलीवेंट क्वालिटीज़ क्या हैं, प्रोजेक्ट कौन कौन से आप वो कर चुका है या पब्लिकेशन अगर उसने कोई किया हुआ है तो वो किस तरह से है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर उन्होंने रखा है कि आपसे जो रेफरी है उनसे पूछा जाएगा कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इनको ये फेलोशिप दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा हुआ, व्हाई द रेफरी फील दैट ही या सी
विल बी ए गुड फिट टू फॉर JNCSIR समर रिसर्च फेलोशिप, ये वहाँ पर उनको मेंशन करना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस स्टूडेंट को ये फेलोशिप दिया जाना चाहिए। तो इस फॉर्म को फिल करने का जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी है, यानी कि आप 31 जनवरी से पहले पहले इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो इस वेबसाइट का लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इस फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। जब आप इस वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर अप्लाई एप्लीकेशन पोर्टल का ऑप्शन आ रहा है, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना ईमेल एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन दे करके अपने इस फॉर्म को सबमिट कर देना है। इसके अलावा आप यहाँ पर हमारा टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, ग्रुप का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। हम अगले वीडियो में मिलेंगे किसी और जानकारी के साथ में। धन्यवाद।